हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का, और आज मेरे पास है एक और बजट स्मार्ट वॉच जो आता है प्ले ब्रांड की तरफ से, प्ले फिट SW75, जिसमें कि 1.3 इंच का कलर टच स्क्रीन डिस्प्ले, 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, म्यूजिक कंट्रोल और फीमेल हेल्थ केयर जैसे काफी सारे यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं। अगली वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और वीडियो के लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन, बिकॉज कुछ दिनों से मैं इसको इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। तो जिस प्राइस में आपको ये स्मार्ट वॉच मिलता है, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच रहेगा या फिर नहीं। की तरफ से आने वाला Playfit SW75 स्मार्ट वॉच मिलता है कुछ इस तरह के बॉक्स में। बॉक्स के सामने मॉडल नेम साथ में स्मार्ट वॉच का पिक्चर दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ की फीचर्स बताए गए हैं, जैसे कि फीमेल हेल्थ केयर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, म्यूजिक कंट्रोल, और भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिन सब की बात आगे वीडियो में करने ही वाले हैं। बाकी यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो दिख जाता है मोस्ट एडवांस नॉर्डिक चिपसेट NRF52840 का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, जिसके जरिए स्मार्ट वॉच में स्मूथ एक्सपीरियंस और लो पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। साथ में हाई प्रिसीजन सेंसर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से मोर एक्यूरेट मॉनिटरिंग भी मिल जाएगी स्मार्ट वॉच में। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताए गए हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन अलर्ट मिल जाता है यहाँ पर वाइब्रेशन के साथ में, 12mm का सुपर स्लिम स्टेनलेस स्टील केसिंग मिलती है, और इसके अलावा और भी काफी कुछ है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं, मैं तो इन सब की बात आगे वीडियो में करने ही वाला हूँ। और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाते हैं बॉक्स कंटेंट्स की डिटेल, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है चाइना, साथ में कस्टमर केयर की डिटेल्स वगैरह और भी काफी कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। साथ में दिया हुआ है MRP जो है 599, लेकिन प्ले ब्रांड का प्ले फिट SW75 स्मार्ट वॉच मिल जाता है करीब 3000 रुपए के अप्रॉक्स। बेस्ट वाली लिंक हमेशा की तरह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अब फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच रखा हुआ मिलता है इस तरीके से। सील मुझे ऑलरेडी ओपन मिला था, बिकॉज ये एक रिव्यू यूनिट है, और बॉक्स के अंदर से यहाँ पर मिल जाता है एक यूजर मैनुअल, साथ में एक वारंटी कार्ड। नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाता है एक चार्जिंग क्रेडल, जिसके जरिए स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ मिल जाता है मेन स्मार्ट वॉच, कुछ इस तरीके से रखा हुआ। यहाँ पर है मेरे पास ब्लैक कलर वाला वेरिएंट, इसके अलावा डार्क ब्लू कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। और साइड में यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो डायरेक्टली ऑन कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इसको चार्जिंग पे लगाना होगा, तब ये ऑन होगा। और सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर मिलता है एक 1.3 इंच का कलर LCD डिस्प्ले, जो कि एक फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले है। बाकी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्प्ले के ऊपर की तरफ दिया हुआ है 2.5D कर्व कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस के हिसाब से। बाकी डिस्प्ले इंडोर में आर्टिफिशियल लाइट में तो काफी अच्छा दिखता है, आउटडोर में भी डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राइटनेस के 3 लेवल्स दिए हुए हैं, फुल ब्राइटनेस पर तो बड़े आराम से आप आउटडोर में भी इसको देख सकते हैं। और फर्स्ट लुक में कोई इसको देखता है तो फर्स्ट लुक में तो ये सिमिलर लगता है काफी ज्यादा एप्पल वॉच से, लेकिन प्राइस के हिसाब से केवल लुक्स को कंपेयर कर सकते हैं। बाकी एक चीज जो डिफरेंट है वो है इसका स्ट्रैप। यहाँ पर देखने को मिलता है एक सॉफ्ट TPU मटेरियल का बना हुआ स्ट्रैप, लेकिन यहाँ पर डुअल पिन होल्स देखने को मिलते हैं, और इस तरह का स्ट्रैप आपको इस प्राइस रेंज के किसी भी स्मार्ट वॉच में नहीं मिलता है। इसका एक फायदा ये है कि यहाँ पर कई सारे एडजस्टमेंट लेवल्स मिल जाते हैं, आप अपनी कलाई में बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हैं जिस भी साइज की आपकी रिस्ट हो। और दूसरा फायदा ये है इस स्ट्रैप का, स्किन जो है ब्रीथेबल रहती है, मतलब कि स्किन को हवा लगती रहती है, जैसे कि दूसरे स्ट्रैप्स में नहीं होता है, तो वो वाली दिक्कत नहीं होगी जो आप समझ ही रहे हैं। बाकी स्ट्रैप सॉफ्ट तो है, लेकिन उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इतने सारे होल्स हैं तो इसको थोड़ा सा टफ रखा गया है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, लेकिन जल्दी से ख़राब नहीं होने वाला है, ड्यूरेबल है। और बाई चांस ख़राब हो भी जाता है तो डिटैचेबल है, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी स्ट्रैप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। बाकी स्मार्ट वॉच का जो मेन केसिंग है, ये बनी हुई है सुपर स्लिम स्टेनलेस स्टील मटेरियल की, टोटल थिकनेस है 12mm। बाकी यहाँ पर वेट है 38 ग्राम, मतलब कि स्टेनलेस स्टील मटेरियल की केसिंग होने के बावजूद भी स्मार्ट वॉच जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और केसिंग के नीचे की तरफ यहाँ पर दिया हुआ है हार्ट रेट सेंसर मिलता है स्मार्ट वॉच में, मॉडल नेम है, साथ में 5 ATM वाटर रेसिस्टेंट स्मार्ट वॉच, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको दिख रही है प्ले की ब्रांडिंग। और यहीं पर दिए गए हैं कुछ सेंसर, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, साथ में हार्ट रेट सेंसर, और ऊपर की तरफ दिख जाते हैं गोल्ड प्लेट चार्जिंग पॉइंट्स, जिसके लिए इस चार्जिंग क्रेडल को अटैच कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के साथ में, और यहाँ पर अटैच करने के बाद डायरेक्टली चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। चार्ज करने के लिए आप 5 वोल्ट 1 एम्पियर के चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 to 100% चार्ज होने में 2 and 2.5 hours तक लग सकते हैं। और एक बार फुल चार्ज होने के बाद ब्रांड का कहना है करीब 10 to 15 days का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इस स्मार्ट वॉच से, जो मैं बोलूँगा इस तरह के स्क्रीन के साथ तो काफ़ी इंप्रेसिव है। स्मार्ट वॉच के यूज़र इंटरफेस की बात करें तो राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ एक एक बटन दिया हुआ है। राइट साइड वाले बटन के जरिए लाइट को ऑन ऑफ
कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच को भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड वाला जो बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे, मतलब कि लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली स्पोर्ट्स मोड में एक्टिवेट हो जाती है स्मार्ट वॉच, जिससे कि आप क्विकली अपना सारा डेटा स्टोर कर पाएंगे जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बाकी यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो स्टेप काउंट, इसके बाद आपको डिस्टेंस दिख जाती है, नीचे की तरफ कितनी कैलोरी आपने बर्न की है वो सब दिख जाएगा, और बाकी यहाँ पर दिख जाता है वीकली टोटल। और लेफ्ट से राइट को स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर दिख जाते हैं कुछ शॉर्टकट्स, जैसे कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, इसके अलावा नीचे की तरफ डू नॉट डिस्टर्ब, साथ में फाइंड माई फोन, इसके अलावा यहाँ पर दिख जाता है लिफ्ट रिस्ट स्क्रीन ऑन ऑफ शॉर्टकट, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर दिन में जब स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फेस की तरफ जब स्मार्ट वॉच को लेकर आते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑन हो जाता है, दिख जाता है जो भी डिटेल्स, टाइम वगैरह सब कुछ। लेकिन रात में स्लीप ट्रैकिंग के लिए आप वॉच को इस्तेमाल कर रहे हैं, पहन रखा है, तो रात में काफ़ी ज़्यादा इरीटेट कर सकता है बार बार लाइट अप होके, तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट में जाकर ऑफ कर सकते हैं। बाकी मेन मेन्यू मिलता है यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट में स्वाइप करने पर, स्पोर्ट्स मोड जहाँ पर कि 14 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, साथ में हार्ट रेट मॉनिटर, रिलैक्स मोड, साथ में यहाँ पर अलार्म भी सेट कर सकते हैं आप इस स्मार्ट वॉच में। इसके अलावा नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो कुछ और फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल, टाइमर सेटिंग्स और स्पोर्ट्स रिकॉर्ड। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाता है डायल, मतलब कि वॉच फेसेस, जो कि टोटल 4 ही हैं, तो अभी के लिए तो बहुत कम चॉइसेस हैं। हो सकता है फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू और ज़्यादा मिल जाए, और ये भी मैं बोलूँगा ठीक ठाक ही है। इसमें से एक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया जो मैंने अभी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, ये वाला। आपको जो भी पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखते काफ़ी अच्छे हैं चारों के चारों इस डिस्प्ले के ऊपर। बाकी आप डायरेक्टली चाहें तो होम स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करके भी वॉच फेसेस को स्विच कर सकते हैं। और ब्राइटनेस के टोटल 3 लेवल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप अपने चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग प्रेस को भी यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अबाउट में बाकी सारी डिटेल्स मिल जाते हैं, और शट डाउन मतलब कि स्विच ऑफ भी कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को। स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का वर्जन 4.2 दिया गया है, एंड्रॉयड या फिर iOS डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, प्लेफिट ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड्रॉइड iOS दोनों ही स्टोर्स पर अवेलेबल है तो डायरेक्टली जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, साइन अप कर लेंगे, अपना प्रोफाइल वगैरह सेटअप कर लेंगे बेसिक सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद। और ऐप में कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस मिलता है, पहले पेज पर आपको स्टेप काउंट मिल जाएंगे, स्लीप डेटा मिल जाता है सेकेंड, साथ में यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर को आप 24 आवर्स अगर ऑन रखते हैं तो वो सारा डेटा भी यहाँ पर सिंक होता रहता है, साथ में यहाँ पर आपको ग्राफिकल डेटा भी दिख जाता है 7 दिन 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक का। साथ में ऐप के जरिए आप जो 14 डिफरेंट स्पोर्ट मोड दिए हुए हैं उनको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ब्लूटूथ का 4.2 वर्जन है तो कनेक्टिविटी की मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। फर्स्ट टाइम सेटअप करने के बाद अगली बार जब ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाता है। नोटिफिकेशंस आपको डिफरेंट ऐप्स के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या फिर डिफरेंट जितने भी ऐप्स दिए हुए हैं आप परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, सबके लिए नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। म्यूजिक कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, कुछ ऐप्स यहाँ पर दिए हुए हैं उन्हीं ऐप्स के लिए अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं, टाइम डेट वगैरह, यूनिट्स वगैरह, साथ में यहाँ पर आपको अलर्ट मिल जाएगा कॉल्स के लिए, इनएक्टिविटी अलर्ट भी मिल जाएगा, साथ में वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल अलर्ट भी यहाँ पर दिया गया है जो कि फीमेल्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। और यहाँ माई डिवाइस सेक्शन में बैटरी के लेवल्स क्या है स्मार्ट वॉच के तो वो देख सकते हैं, साथ में कुछ और डिटेल्स यहाँ पर दिख जाते हैं। फाइनली अब मैं बात करूँ इस स्मार्ट वॉच के बारे में अपने ओपिनियन की, तो सबसे पहली चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है, बिल्ड क्वालिटी भी मैं बोलूँगा अच्छी है, साथ में ड्यूरेबल भी लगती है, साथ में स्मार्ट वॉच 5 ATM वाटर असिस्टेंट भी है, तो अगर आप चाहें तो वर्कआउट वगैरह के दौरान या फिर स्विमिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं अप टू 50 meters, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में 1 year की वारंटी मिल जाती है इस स्मार्ट वॉच की, तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। बाकी एक और इंप्रेसिव चीज है स्मार्ट वॉच के अंदर, वो है इसका बैटरी बैकअप करीब 10 to 15 days ब्रांड कहता है, लेकिन मैं बोलूंगा आप सारे नोटिफिकेशंस लेंगे, 24 आवर्स हार्ट रेट ट्रैकिंग ऑन रखेंगे, फिर भी आपको 1 week मतलब कि 7 दिन का बैटरी बैकअप तो बड़े आराम से मिल जाता है इस स्मार्ट वॉच से, जो कि एक काफी इंप्रेसिव है इस तरह के डिस्प्ले वाले स्मार्ट वॉच के साथ। बाकी स्मार्ट वॉच के थ्रू जो मॉनिटरिंग स्टेप काउंट वगैरह देखने को मिलता है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे, बिकॉज स्मार्ट वॉच के अंदर इस्तेमाल किया गया है मोस्ट एडवांस्ड नॉर्डिक चिपसेट, जिसकी वजह से स्मार्ट वॉच को मैंने जब बाइक पर भी पहना तो वहाँ पर स्टेप काउंट नहीं हो रहा था, और थोड़ा बहुत इसको धोखा देने की कोशिश की इस तरह हिलाकर, फिर भी यहाँ पर कोई भी स्टेप काउंट नहीं हुआ। बाकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग की बात करूँ तो 2-3 स्मार्ट वॉच को मैंने कंपेयर किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Amazfit और Noise Color Fit Pro, तो वहाँ पर लगभग सेम ही रिजल्ट देखने को मिले तीनों ही स्मार्ट वॉच से हार्ट रेट मॉनिटरिंग के दौरान। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने वाली है, यहाँ पर प्ले स्मार्ट वॉच काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखता है Noise Color Fit Pro 2 से, साथ में यूजर इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बाकी ब्लूटूथ 4.2 के जरिए कनेक्ट रहता है स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छे से, नोटिफिकेशंस वगैरह भी काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं, कॉल अलर्ट भी मिल जाता है, लेकिन कॉल्स पर बात नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर कोई माइक या फिर स्पीकर नहीं मिलता है स्मार्ट वॉच के अंदर।
कॉन्टैक्ट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको पिक करना है तो फोन निकाल कर पिक कर सकते हैं, भाई कट करना है तो स्मार्ट वॉच के जरिए कट कर सकते हैं। सो ओवरऑल 3000 रुपए के प्राइस में प्ले फिट SW75 स्मार्ट वॉच के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जो फीचर्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल रहे हैं काफी बढ़िया है। इस तरह का कोई भी स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे थे तो जरूर से इस स्मार्ट वॉच को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक पिक है। बेस्ट वे लिंक हमेशा की तरह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही काफी सारे वीडियोस काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी आपका कोई और सवाल है सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जाके जरूर से बता सकते हैं, और आपको स्मार्ट वॉच कैसा लगा तो कमेंट में जाके वो भी बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।